तो हमारे देश में इंटॉलरेंस किस हद तक बढ़ चुकी है, इंटॉलरेंस की हद कितनी पार हो गई है, इसी पर आज बात कर रहे हैं मुद्दा आज का। सोशल मीडिया पर आप अपनी राय रखते हैं, अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं और उसके बाद अगर वो राय, वो सोच, वो जानकारी, वो बयान अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो वो आपकी निजता का भी ख्याल रखता नहीं है और आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। और ये आम इंसान के साथ नहीं हो रहा है बल्कि बड़े बड़े वीआईपीज को भी इससे नहीं बख्शा जा रहा है। बिल्कुल, और अब मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता से जुड़ा हुआ है, जो क्रिसमस के एक इवेंट में हिस्सा लेने गई थी। इसी को लेकर अमृता ने ट्विटर पर अपनी बात कही, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से ट्रोल किया जाएगा। क्या हुआ था उनके साथ, आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के मायने क्या बच गए हैं और सोशल मीडिया के एक दंश की तरह से तो काम नहीं कर रहा है। नाम अमृता फडणवीस, पहचान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। महाराष्ट्र के सीएम की पत्नी होने के साथ ही साथ सोशल वर्क सर्किट में भी अमृता फडणवीस को पहचाना जाता है और इसी सिलसिले में एक सोशल इवेंट में हिस्सा लेने पर अमृता फडणवीस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दरअसल अमृता फडणवीस एक इवेंट में बतौर मेहमान गई थी। क्रिसमस को केंद्र में रखकर किए गए इस इवेंट में गरीब बच्चों को गिफ्ट देने की अपील की गई थी। इवेंट के बाद अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट किया। बी सांता कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला। ये क्रिसमस पर गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश है। आप भी गरीब बच्चों के लिए तोहफे दीजिए और खुशियां बांटकर अपनी खुशियों को बढ़ाइए। अमृता फडणवीस ने गरीब बच्चों की मदद के लिए ट्वीट किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोशल मीडिया पर यह अपील कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरेगी कि वो उन्हें ट्रोल करने लगेंगे। अमृता के ट्वीट के जवाब में लिखा गया, अमृता जी उन लोगों का सम्मान करिए जिन्होंने आपके पति देवेंद्र फडणवीस को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि इस ट्रोलिंग का अमृता ने भी करारा जवाब दिया। अमृता ने आगे लिखा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं अपने देश में मनाए जाने वाले हर त्योहार का हिस्सा बनती हूँ और ये मेरी अपनी मर्जी है। हम भारत के दर्शन को दिखाते हैं और इस तरह देश और धर्म के प्रति हमारा प्रेम कम नहीं होता। अमृता फडणवीस ने तो ट्रोलिंग का जवाब दे दिया, लेकिन इस तरह दूसरे धर्म के त्योहार और प्रतीकों का सम्मान मानो हमारे समाज को कबूल ही नहीं हो रहा। अमृता फडणवीस से पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इरफान पठान और मोहम्मद कैफ भी ट्रोलिंग का शिकार हो चुके हैं। इरफान और कैफ ने योग की तारीफ की थी और इसी को मजहब से जोड़कर कट्टरपंथियों ने इन्हें ट्रोल किया था। टी न्यूज नेशन। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। शीला असलम है हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, और स्वाति अग्रवाल हैं, अधिवक्ता। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल विजय शंकर तिवारी जी आपसे है, विश्व हिंदू परिषद के आप स्पोक्स पर्सन हैं। अमृता फडणवीस अगर किसी और धर्म के त्यौहार को मना रही हैं, उस संदर्भ में लोगों से एक चैरिटी इवेंट में साथ आने की अपील कर रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्यों उनके धर्म के लोगों को ये बात नागवार गुजरती है? क्या दूसरे धर्म के खुशियों में, उनके त्योहारों में शरीक होना गलत है? शायद आपको ध्यान होगा कि भारत की पहला चर्च भारत का भारत में बना, केरल में बना, और पहली मस्जिद भी भारत में ही बनी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस देश में इतनी सहिष्णुता हो उस देश में इस प्रकार का विरोध होता नहीं है। मैं जिस संस्थान से, जिस संस्था से बिलोंग करता हूँ, जिस संस्था में काम करता हूँ, उसमें जो सेवा के काम चलते हैं, जितने प्रकार के सर्विसेज के काम चलते हैं, 1.5 लाख से अधिक इस प्रकार के संस्थान हम देश भर में चलाते हैं। 65,000 तो हम केवल एकल विद्यालय चलाते हैं। जब हम एकल विद्यालय चलाते हैं उसमें जो पढ़ने बच्चे आते हैं, हम ये कभी नहीं पूछते कि आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, या हिंदू हैं, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ पढ़ने के लिए आता है, उसको हम पढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर जिनको भक्त कहता है, सवाल अब उन भक्तों पर ही है, वो अपनी पार्टी के नेता की पत्नी तक को नहीं बख्श रहे। अनुराग जी, मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे लोग भक्त कहते हैं।
अब जो भक्त नहीं होते वो क्या होते हैं आप समझ सकते हो। हम देशभक्त हैं, हम गाय भक्त हैं, हम गंगा भक्त हैं, हम समाज भक्त हैं, हम हिंदू भक्त हैं, हम हैं भक्त, इसमें हमें गर्व है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार के किस कॉन्टेस्ट में कहा गया, मुझे लगता है इसकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर विस्तृत चर्चा हो तो शायद ध्यान में आवे कि किस प्रकार के इस विषय को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। शिबा असलम जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि आखिर ये जो ट्रोलिंग होती है, आप क्या अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था जहां पर लगा था कि लोग अपनी बात और ज्यादा सहज तरीके से कह सकेंगे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्या ये जो बेधड़क ट्रोलिंग चल रही है, बाकायदा एक साइबर आर्मी हर पार्टी द्वारा, हर एक सोच के द्वारा वहां पर तैनात कर दी गई है, कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है सख्त कायदे कानून बने और इस तरह की जो प्रोफेशनल हायर्स करके ये जो ट्रोलिंग हो रही है इस पर लगाम लगनी चाहिए? जी देखिए, इस देश में बाकायदा आईटी सेल बना करके ट्रोलिंग के लिए पूरी फौज इम्प्लॉय करके ट्रोलिंग का कल्चर पैदा कराया किसने है? इसी सत्ताधारी पार्टी ने। आज अगर उनके लोग भी इसका शिकार हो जा रहे हैं, और ये छोटी मोटी घटना है, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, जो बड़ी घटनाएं हैं उन पर तो हम बहस भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बात अब उनको समझ में आनी चाहिए कि जो भस्मासुर हम पैदा करते हैं वो हम बहरहाल हमारी ही तरफ वापस आकर के हम पर ही लपकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमृता जी ने जो कहा और जिस तरह से उसको डिफेंड किया है अपने उसको ट्विटर को, अपनी पोस्टिंग को, मैं उनको बधाई देती हूँ। इस देश में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे और वो किसी भी तरफ से दबाव ना महसूस करें, इसको एंश्योर करें। भारत लेकिन इन सब के बीच स्वाति अग्रवाल आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, साल 2009 यूपीए सरकार की तरफ से 66A की शुरुआत होती है कानून के तौर पर, लेकिन कुछ वक्त बाद सर्वोच्च अदालत उस कानून पर ही सवाल खड़ा करता है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया में जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं, आपको लगता है कि 66A जैसी किसी व्यवस्था पर फिर से सोचे जाने की जरूरत है? बिल्कुल, 66A इसीलिए बनाया ही गया था। जिस तरीके की ये ट्रोलिंग ये हुई है, इसका पूरा एपिसोड क्या रहा, किन लोगों ने ट्रोलिंग किया, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि वो ट्रोलिंग करने वाले कौन थे, क्या इस ये एक्चुअली में प्लान्ड था, किसी गैंग ने किया हिंदुओं को बदनाम करने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बदनाम करने के लिए। तो इस इन सब चीज़ों में जो आईटी सेल बनाया गया, तो आईटी सेल का जो भी सर्वोच्च न्यायालय में मैटर अभी लंबित है, तो मैं तो बीइंग अ लॉयर हाईकोर्ट के, मुझे तो पूरा ये कहने का हक है और मैं पूरा ये चाहती हूँ कि जो आईटी सेल बनाया गया इसको पूरा इम्प्लिकेट किया जाए। और जहाँ तक रही बात हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ों की, तो हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये तो पूरे इंडियंस को ये आज़ादी देता है कि कोई भी किसी भी रिलीजन रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है। तो हमारा संविधान हमें हर अधिकार देता है, लेकिन हम उन अधिकारों का कुछ लोग जो है वो किस तरह से बेजा इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा अपने अधिकार का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पाते। नुमानी साहब, सोशल मीडिया लगा था कि जोड़ने का काम करेगा, ये तो लगता नहीं, तो तोड़ने का काम ज्यादा कर रहा है। देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया का मामला हो या राजनीति का मामला हो, राजनीति का जो है वो की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है अपने पसंद के लोगों को आप चुनती हैं और प्रतिनिधि बनाती हैं आप, जो है नीचे से लेकर ऊपर तक। इसी तरह सोशल मीडिया का मामला था, ये जो जोड़ने का काम इससे होना चाहिए था, लेकिन जो है ना वो शैतान जो होता है ना, शैतान जो है वो अच्छे काम के लिए किसी चीज को यूज नहीं करता है, बल्कि वो अच्छे काम को भी जो है वो गलत दिशा में ले जाता है। हर मजहब में है, बिल्कुल हर मजहब में है। मोहम्मद कैफ भी इसका शिकार होते हैं, ज़हीर खान भी इसका शिकार होते हैं। शैतान जो है वो हर मजहब में है और हर जो कम्युनिटी में और सब जगह आपको मिलेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं जो है संघ को और हिंदू परिषद को बहुत करीब से जानता हूँ, तो ये नहीं है कि ये जितने जो है फासिस्ट एलिमेंट है वो संघ से जुड़े हुए हैं या जो है विश्वहिंदू परिषद से जुड़े। आपके चैनल के माध्यम से भी जो है विजय शंकर तिवारी जी ने जो राजस्थान में जो बहुत जो है दुखदायी घटना हुई थी उसकी जो है उन्होंने निंदा की थी। तो ये जितने लोग हैं ये कह देना कि ये जो है संघ से जुड़े हुए हैं या विश्वहिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन ये है कि जो लोग इस तरह का नारा लगाते हैं और जो है कुछ मुद्दों को लेकर जो है समाज को बांटने का काम करते हैं, समुदाय को बांटने का काम करते हैं और एक दूसरे धर्म के प्रति जो है
द्वेष और नफरत फैलाने का काम करते हैं। धर्मगुरु क्या करते हैं? विजय शंकर तिवारी जी, जरा आपसे भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हम तो यहाँ से कह रहे हैं कि जो लोग जो असहिष्णुता को फैला रहे हैं वो जो है बिल्कुल शिवा ने भी कहा जो है निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ जब तक आप जो है कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे उस पर रोक नहीं लगेगी। आप सहिष्णुता की बात करते हैं लेकिन यहाँ शिवा ने कहा जैसे कि एक सत्ताधारी पार्टी ने एक भस्मासुर जो है साइबर आर्मी के नाम पे, ट्रोलिंग आर्मी के नाम पे पैदा किया जो आज उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। देखो अमृता, किसी के बोलने पर, कुछ भी बोलने पर कोई रोक नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं बहुत स्पष्ट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब मुसलमानों की बात करता हूँ तो मैं उन मुसलमानों की बात करता हूँ जो बाबर को, औरंगजेब को और देश के लुटेरों को अपना हीरो मानते हैं। हम जो बुरहान वानी को शहीद मानते हैं, जो अफजल खान के साथ खड़े होकर भारत के बंटवारे की बात करते हैं, ऐसे मुसलमान के हम विरोधी हैं। लेकिन जो APJ कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों के को अपना हीरो मानते हैं उनको इस देश में कोई कुछ नहीं कहता है। इसलिए एक बिल्कुल स्पष्ट है, और ईसाइयों के विषय में भी जो भारत में गरीबों को लालच दे करके आदिवासी क्षेत्रों में जा करके उनका धर्म परिवर्तन जो काम कर रही थी वो क्या काम कर रही थी विजय शंकर, ईसाइयों में उनके विरोधी हैं। वो तो अच्छा काम कर रही है ना, अगर अच्छा काम कर रही है तो उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? मैंने उन पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है किस भाई? अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, आपको लगता होगा कि मैं जाकर के उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा जो ट्रोल कर रहे हैं जी। मैंने खुद स्पष्ट कहा कि हम खुद इतने सेवा के काम चलाते हैं, तो देश भर में चलाते हैं, वहाँ पर ईसाई है, कौन है, सेवा के काम में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर अगर और अमृता सुनिए, इतने सारे आपदाएं देश में आती हैं, हम उसमें सेवा करते हैं, हम कभी किसी की जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। काम करते हैं, लेकिन अभी बताइए कि मौजूदा सरकार को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार पर ही ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वो एक पूरी ट्रोलिंग आर्मी चलाते हैं। कई ऐसे विवादास्पद अकाउंट्स भी निकल कर सामने आते हैं जिनको सत्ताधारी पार्टी के बड़े लोग फॉलो करते हैं और वही बदजबानी करते हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? हाँ अमृता, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। वास्तव में इस प्रकार के प्रश्न उठाने वाले लोग कौन हैं ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। मेरठ में दंगे होते हैं, दंगे वालों के साथ खड़े होते हैं वो लोग इस प्रकार की प्रचार करते हैं। अलीगढ़ में दंगे होते हैं, अलीगढ़ के दंगे करने वालों के साथ खड़े होते हैं वो लोग हैं। मालदा में 2.5 लाख लोग इकट्ठा होकर के हिंदुओं की दुकानें जला देते हैं, लेकिन वो मालदा में उपद्रवकारियों के साथ खड़े होते हैं वो लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। आपत्तिजनक शब्द कहना, और जो लोग जिन अकाउंट से, जिन सोशल मीडिया अकाउंट से वो आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा होता है उन्हें सत्ताधारी पार्टी के कई लोग फॉलो करते हैं, बड़े लोग, बड़े लोगों की बात हो रही है यहाँ। हाँ हाँ मैं बताता हूँ मुझे पता नहीं कितने लोग फॉलो करते हैं जो मुझे रोज गालियां देते हैं। मुझे कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो मुझे रोज गालियां देते हैं। लेकिन जो गालियां देते हैं आप तो फॉलो नहीं करेंगे ना, कम से कम विजय शंकर तिवारी साहब, सवाल बुनियादी ये था। लेकिन इन सब के बीच शिवा असलम, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग के दौर में क्या आपको लगता है कि महिलाएं कहीं ज्यादा प्रताड़ित होती हैं? चाहे वो फातिमा हो जो कपड़ा पहनती है और उस कपड़े पहनने को लेकर वो विवादों में घिर जाती हैं, और यहाँ पर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी हो। शिवा जी, हाँ मैं आता हूँ विजय शंकर जी आपके पास। जी, ये लगातार हो रहा है और इसमें जेंडर एंगल बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस जेंडर एंगल के साथ साथ कल से एक बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक बहुत बड़े न्यूज़ पोर्टल ने ये बात जाहिर करी है, पूरी स्टोरी की है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में, विपक्ष में अगर कोई बात लिखता है जो असत्य हो या असत्य ना भी हो तो उसके गिरफ्तारी होती है, लेकिन जो लोग सत्ताधारी पक्ष के साथ हैं वो कुछ भी करें उनकी किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जाती है। तो एक पक्ष को 66A का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट जिस पर अपनी एक फाइनल राय दे चुका है, उससे अभी भी परेशान किया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष को पूरी तरह से खुली छूट दी जा रही है। कट्टरपंथियों का जहां तक सवाल है, ये दोनों तरफ के कट्टरपंथी महिलाओं के मामले में एक बराबर असहिष्णु हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी हों, चाहे वो हिंदू समाज के कट्टरपंथी हों, या किसी और समाज के। साइबर जो लॉज हैं उनमें अभी भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। क्रांति आ गई, सोशल मीडिया आ गया, उसका इस्तेमाल हो गया, उसका बेजा इस्तेमाल भी आ गया, लेकिन लगाम लगाने के लिए कानून अभी उतना सख्त नहीं आया।
मानती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब भी कोई हमारे यहाँ कोई भी एक्ट आता है तो सबसे पहले उसका तो तोड़ा जाता है, जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है उसके सारे काम जो भी चीजें उसकी प्रोसेस में आती हैं तब तक तो उसके तोड़ आ जाते हैं और तब तक वो एक्ट ही चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी आईटी एक्ट का मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में धर्मगुरुओं को कम से कम ये अपील की जानी चाहिए कि सोशल मीडिया की अभिव्यक्ति को धर्म से ना जोड़ा जाए कम से कम। बिल्कुल, ये सबको करना चाहिए। हमारे साथ भी जो हजारों लोग जुड़े हुए हैं, और मैं ये कहता हूँ जो लोग गलत जो है वो चित्र जो है डालते हैं या गलत बातें करते हैं या जो असहिष्णुता फैलाते हैं कट्टरपंथ को, वो बिल्कुल यह अपने आप को अलग करें। मतलब मोहम्मद कैफ योग करना चाहे तो कर सकते हैं, तस्वीरें डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बिल्कुल वो डाल सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने आपके चैनल पे ही ये कहा था जो लोग विरोध करते हैं वो गलत कर रहे हैं जी। आप जो है जिससे आप जो है मतभेद है, हमारे और विजय शंकर तिवारी के बीच में कई बातों को लेकर मतभेद है, लेकिन यह कि यह थोड़ी है कि मैं जो है उनको गाली दूं। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज आज इस पूरी चर्चा में निकल कर आई कि चाहे किसी भी अलग अलग आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले ये तमाम नुमाइंदे हों, एक बात पर सबकी सहमति है कि अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है और सख्त कानूनों की आवश्यकता यहाँ पर है अनुराग। बिल्कुल, जहाँ आपके अधिकार खत्म होते हैं वहाँ दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं, संविधान ये बात कहता है, समझना बेहद जरूरी है।